तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या पूछा गया है। अ बॉय स्टैंडिंग 100 मीटर फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग क्लैप्स हिज हैंड एंड हियर्स एन एको 0.6 सेकेंड लेटर, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और उसके सामने यहाँ पे क्या है, एक टॉल बिल्डिंग है, काफ़ी ऊंची इमारत है, और उन दोनों की जो दूरी है वो हमारे यहाँ पे कितनी दे रखी है, 100 मीटर की दे रखी है। तो यहाँ पे लड़का क्या करता है, ताली बजाता है और उसको यहाँ पे जो एको सुनाई देती है वो यहाँ पे 0.6 सेकेंड लेटर सुनाई देती है। इसका मतलब जो साउंड वेव है वो यहाँ पे क्या करेगी, ट्रैवल करेगी फिर दोबारा वापस आएगी। तो इसमें यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 0.6 सेकेंड का समय लग रहा है। तो इसका मतलब जो साउंड वेव्स है उसको यहाँ पे जाने में कितना टाइम लगेगा, इसका आधा समय लगेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.3 सेकेंड आ जाएगा। तो 0.3 सेकेंड जाने में लग रहा है, 0.3 सेकेंड आने में लग रहा है जब जाके उसको एको सुनाई दे रही है 0.6 सेकेंड के बाद। तो इसका मतलब हमें जो टाइम लेके चलना है वो हमें यहाँ पे 0.3 सेकेंड का लेके चलना है। और हमें यहाँ पे बताना क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हमें यहाँ पे बतानी है स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होगी। तो इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है वो हमें यहाँ पे कितना रखा है, 100 मीटर का दे रखा है। टाइम हमें यहाँ पे कितना लेके चलना है, 0.3 सेकेंड का लेके चलना है। और स्पीड का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस हमें यहाँ पे कितना रखा है, 100 मीटर का दे रखा है, और टाइम हमें यहाँ पे 0.3 सेकेंड का दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट रिमूव करूँगा तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000, नीचे हमारा आ जाएगा 3। डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 3 9, फिर दोबारा यहाँ पे 3 3 9, फिर दोबारा यहाँ पे 3 3 9। तो ये ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3.3। और हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, स्पीड निकाल रहे थे, यूनिट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।